नमस्कार साथियों, आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल देवगुरु एस्ट्रो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े। आज हम आपको बताने वाले हैं, आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च का है और उच्च का फल नहीं दे रहा है, या कोई ग्रह नीच का है और आपको नीच का फल नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण क्या है। जैसी ग्रह स्थिति आपकी लग्न कुंडली में दिखती है वैसे फल आपको नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी मेरा ये ग्रह उच्च का है, ये ग्रह उच्च का है, इतने ग्रह उच्च के हैं, लेकिन उस स्तर का मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन उस स्तर का नहीं है। और बहुत सारी कुंडलियां हम देखते हैं जिसमें लग्न कुंडली कमजोर होती है, ग्रह कमजोर होते हैं लेकिन व्यक्ति ऊंचे पद पर होता है। क्या कारण है आज हम इसके बारे में जानेंगे। कुंडली के 12 घर होते हैं, जो 12 घर है कुंडली में 11 घर देने का काम करते हैं और एक घर लग्न लेने का काम करता है। द्वितीय घर से दूसरे घर से धन देखते हैं, धन मिलेगा किसको, लग्न को। लग्न मतलब व्यक्ति स्वयं होता है, शरीर होती है, व्यक्ति स्वयं ही 11 भावों का उपभोग करेगा, तो लग्न लेता है और 11 भाव देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले यह देखना चाहिए कि सभी ग्रह मजबूत हैं, बलवान हैं, लेकिन क्या लग्न भी मजबूत है, लग्नेश भी मजबूत है, बलवान है कि नहीं है। अगर लग्नेश कमजोर हो गया तो कोई भी ग्रह उच्च का हो, स्वागृही हो, उसके फल में 50% की कमी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि लग्न जिसे फल स्वीकार करना है वही कमजोर है, वह फल ले पाने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए यह देखना होगा मित्रों कि लग्न मजबूत हो तो अन्य ग्रह जो उच्च के हैं वह अपना फल पूरा दे पाएंगे। दूसरी चीज, हमारे शरीर में दो चीजें मुख्य हैं, मन और आत्मा। जो मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से बलवान हो, जिसमें आत्मविश्वास भरा हो, जिसमें कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, संयम है, मन नियंत्रित है, यानी सूर्य और चंद्रमा बलवान है, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी होता है। यानी ग्रहों का फल पाने के लिए मन और आत्मा का मजबूत होना जरूरी है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा का भी मजबूत होना जरूरी है। अगर सूर्य और चंद्रमा कमजोर है तब उच्च के ग्रहों का फल आधा हो जाएगा। दो सूत्र मैंने आपको बताए, पहला सूत्र लग्न का बलवान होना जरूरी है, लग्नेश का बलवान होना जरूरी है, दूसरा सूर्य और चंद्रमा का बलवान होना जरूरी है, तभी उच्च का ग्रह अपना पूरा फल दे पाएगा। अगर लग्न कमजोर है, सूर्य कमजोर है और चंद्रमा कमजोर है तो नीच का ग्रह अपना ज्यादा फल दे पाएगा, अपना ज्यादा प्रभाव दिखा पाएगा, क्योंकि लग्न कमजोर है, शरीर कमजोर है, तो जो खराब ग्रह है, खराब फल देने वाले हैं, वो जल्दी हावी हो जाएंगे। अगली चीज, आपने देखा कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह मित्र के घर में बैठा है, उच्च का है, स्वागृही है, यानी बलवान है, युवा अवस्था में है, लेकिन वह ग्रह अपना फल नहीं दे रहा है। किसी की कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी मान लीजिए मंगल है और वह उच्च का होकर के बैठा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, उस व्यक्ति का भाग्य मजबूत नहीं है। भाग्य का स्वामी तो लग्न कुंडली में मजबूत दिखाई दे रहा, लेकिन उस मजबूती का लाभ नहीं मिल रहा है। कारण क्या है मित्रों, हम भूल करते हैं, लग्न कुंडली शरीर को, लग्न को फल देने वाली कुंडली है। ग्रहों का बल तो हमें नौमांस से देखना है। तीसरा फार्मूला यह है कि अगर कोई ग्रह लग्न में उच्च का है और स्वागृही है, युवा अवस्था में है, लेकिन नवमांस कुंडली में नीच का है और शत्रु के घर का है, तो उसका उच्च, उसका स्वागृही होना, उसका युवा अवस्था में फल दे पाने की क्षमता में 50% की कमी आ जाएगी।
तो इसलिए इस बात को जरूर देखिए कि लग्न में जो ग्रह अच्छा दिख रहा है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में है, क्या वह नवमांस कुंडली में भी अच्छी है। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में स्वागृही है या उच्च का है और नवमांस में स्वागृही और उच्च का है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन अगर लग्न कुंडली में उच्च का है स्वागृही है, नवमांस में नीच का हो गया तो वो स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे बाहर से सुंदर सड़ा हुआ अंदर, बाहर से तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से दम नहीं है। कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है लेकिन नवमांस में उच्च का हो गया तो उसकी नीचता भंग हो जाएगी, वह अच्छा फल देगा, शुरू में अपनी दशा में कष्ट देगा, संघर्ष करवाएगा, परेशानी देगा, लेकिन अल्टीमेट पूरी दशा उसकी जो रिजल्ट निकल करके आएगा वह आपके पक्ष में आएगा, संघर्ष के बाद आपको सफलता मिल जाएगी। तो कोई ग्रह तीन सिद्धांतों को याद रखेंगे, लग्न बलवान है तब उच्च के ग्रह का पूरा फल मिलेगा अन्यथा 50% मिल पाएगा, सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं बलवान है तब किसी भी ग्रह के स्वागृही और उच्च होने का पूरा फल मिलेगा, और वह ग्रह जो लग्न में अच्छा दिख रहा है अगर वह नवमांस में भी अच्छी स्थिति में हो तभी वह पूरा फल दे पाएगा। इसलिए लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांस कुंडली का भी विचार करिए, विंशोपक बल भी हमें निकाल लेना चाहिए फलित करने के पहले। आज के कार्यक्रम में इतना ही, आगे आपको बताएंगे विंशोपक बल क्या है, कैसे ग्रहों का बल विंशोपक के माध्यम से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए लोगों को। आज के कार्यक्रम में इतना ही, जय श्री।